आज सोनिया अख्तर हमारे ऑफिस पे आई भैया द्वेज के दिन। इन्हें लगभग 3 महीने हो गए भारत में अपने पति के लिए संघर्ष करते हुए। पहले रक्षाबंधन मनाया जब आई थी, आज भैया द्वेज मनाया, लेकिन इस बीच में इनकी लड़ाई नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से लेकर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल, साथ में महिला कोर्ट, या बच्चों मैं लगा दूं पहले बका आओ अन्नू तिवारी आओ, अन्नू अख्तर अन्नू तिवारी आओ, ये दो धर्मों इधर आओ। ठीक है। दो धर्मों का संगम है और इसको सोनिया अख्तर ने बखूबी निभाया और भैया द्वेज का हमारे यहाँ परंपरा है मामा का जूठा भांजा नहीं खाता है, ऐसी परंपरा है। अब इसमें से अनु लो जाओ लो जाओ जल्दी जा ना लिया करो, तुम्हें बड़े होके सौरभ अख्तर सौरभ खान तिवारी बनना है, नहीं तो हर्षरूप तिवारी है उसका पापा। हाँ हर्षरूप तिवारी बाबा पापा जैसे। और बड़ी खुशी की बात है, लड़ाई लड़ी गई, कानूनी लड़ाई लड़ी, दिल्ली पुलिस, ग्रेटर नोएडा पुलिस, महिला कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, सब जगह जीत हुई, हमारी जीत हुई। और 30,000 कोर्ट की ऑनरेबल राजेंद्र त्रिपाठी जी, फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज ने बाकायदा मोहम्मदन ला के तहत सोनिया अख्तर के अधिकारों की लड़ाई के लिए आदेश दिया, ऑर्डर दिया, नोटिस हुए, दस्ती संबंधी है। और यहां तक ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, धरती पर जितने भी साधन हैं हर तरह से अर्जेंट उस पर इस तरह से वो किया जाए, और वो आदेश करके भेजा गया और उसको वहां शिवालिक में अपनी, इनकी ससुराल है दिल्ली में, दो जगह है, अब तो इनका दिल्ली भी मायका हो गया, पहले बांग्लादेश ही मायका था, ढाका बांग्लादेश मायका था, लेकिन मैं भाई हूं तो भाई के नाते यहां दिल्ली भी इनका मायका है, शिवालिक में ससुराल है और राजस्थान के अलवर में इनकी ससुराल है। ग्रांड पैतृक घर सौरभ अख्तर सौरभ कांत तिवारी का अलवर में है और शिवालिक में वर्तमान में रहते हैं, तो इसलिए इनका वहां ससुराल है, यहाँ मायका भी है, बच्चे का भी है, और इसीलिए बहन को इसी आशय के साथ भैया द्वेज का त्यौहार मनाया जाता है, इनके जीवन में खुशहाली रहे। और ये जीत केवल सोनिया अख्तर की नहीं है, ये देश की उन तमाम महिलाओं की है जो अपने पतियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उस प्यार की जीत है जो प्यार के लिए लड़ी जाती है, अपने बच्चे के पिता के लिए लड़ी जाती है। नहीं तो बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पतियों को छोड़ के चुपचाप छुप जाती हैं, अंडरग्राउंड हो जाती हैं, वोट बदल देती हैं, पता नहीं चलता, ना उनके मायके वाले बताते ना कोई रिश्तेदार बताते, पति ढूंढता रहता है, परेशान रहता है। लेकिन यहां सोनिया अख्तर ने भारत में उससे अलग रीति चलाकर अपने पति को पाने की, पति को ढूंढने की, पति की तलाश में, पति के लिए देश की बड़ी अदालत से लेकर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से लेकर फैमिली कोर्ट से लेकर क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल से लेकर सेक्टर 3 रोहिणी से लेकर सभी लड़ाइयां लड़ी हैं, सब में सफलता मिल रही है। और अब देखना है सौरभ अख्तर को भी कि परिवार खुशी रहे, खुशहाल रहे, अच्छी तरह रहे, अच्छे रहें, जैसे जो लगभग 3.5 साल पहले शादी हुई थी, निकाह हुआ था, वो धर्म नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अगर आपने प्यार किया है, शिद्दत से प्यार किया, तो उसे चाहें, उसको माने और उस बच्चे को पालन पोषण करें। सीआरपी